वो सोचे, क्योंकि यहाँ के हालात जो है काफ़ी ख़राब है। इस वक्त आप देख रहे हो, ऊपर और भी लैंड स्लाइडिंग आने वाली है। यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ पर हमने ACC के दौर में भी बोला कि ब्लास्टिंग की वजह से जब यहाँ पर ACC कंपनी काम कर रही थी तो उस दौर में यहाँ पर ये ज़मीन जो है पूरी हिल के रह गई। उन्हीं दौरान यहाँ से दरारें पड़े ज़मीन में, इसी वजह से शायद ये आज नौबत आ गई पूरी जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है। यहाँ पर पूरी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बस्ती बिल्कुल ख़तरे में है। कैमरामैन आप नीचे दिखाएं कि पूरे घरों के पीछे ये जो लैंडस्लाइडिंग जो है रुक चुकी है थोड़ा बहुत। यहाँ पर एक घर आप देख रहे हैं बिल्कुल इसके पीछे है। अगर यहाँ पर ये नहीं रुक जाती तो नीचे कई घर थे जिनको ये अपने साथ तबो बर्बाद करके नीचे नाले में धकेल देता। तो हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि इस बस्ती के बारे में थोड़ा बहुत सोचे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मुसीबत है। आप देख रहे हो, ना रास्ता है कहीं, ना ड्रेनेज सिस्टम है, कोई फैसिलिटी नहीं है इस गांव में। काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई काम भी नहीं हो रहा है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि इस गांव के बारे में थोड़ा बहुत सोचे। जो अनाज अनाज रटवट प्रश्न के लिए ड्रेन में गो आब बच्चे आम फटन अंदर मसा मसा बच कसा आब झाना मीडिया वो तीन सात झाना SDM झाना तथा गो जनाब जू बचाओ इसलिए सोन चार करो गवर्नमेंट ये खास कर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा DC साहब। हम DC साहब से गुजारिश करते हैं, SDM साहब से गुजारिश करते हैं, तहसीलदार साहब से गुजारिश करते हैं कि ये देखो हमारी बुरी हाल है। विंटर में भी यही प्रॉब्लम होती है हमें, बहुत स्लाइडिंग का खतरा है। अभी लैंड स्लाइड हो गए, पूरी रात हम जाके थे, बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। अच्छा, हमने इससे पहले भी जब 2004 में ये ACC बना उस टाइम ब्लास्ट की वजह से पूरा ये दरारें हुई है, खोखला हो गया पूरा मकान, उसके जो शीशे वो भी टूटे। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे कुछ जगह दिखाएं ताकि हम सेफ रहें। हमारे पूरे बाल बच्चे जो है बिल्कुल खतरे के बिल्कुल सामने मौजूद है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुजारिश करता हूं जनाब तहसीलदार साहब, SDM साहब, DC साहब से कि हमारा गांव जो है हर साइड हर तरह से कि हर खतरे के सामने रहता है। कोई यहाँ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, ना कोई काम, ना कोई कुछ। यहाँ आज 10-15 साल से ना कोई रास्ता नहीं बना है, ड्रेनेज सिस्टम कहीं नहीं है। ये हालत आज हो रही है जो कि हमें जीना भी मुश्किल हो गया। हम मेहरबानी करके अपील करते हैं इन साहिबों से कि मेहरबानी करके इस गांव की तरफ तवज्जो दी जाए कि इसका ना रोड कहीं है, ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम है, ना कोई चलने का फिरने का सूरत है, ना बच्चे का कहीं कोई हिसाब किताब रहा है। मेहरबानी करके यहां तक आके इसको देखे और स्कूल की हालत देखे। ये हमारा स्कूल है, ये हमारे गांव है, घर है, वो देखो मकानों के दीवार तक नीचे से निकल गए। कल से हम ऐसे ही खड़े रहे हैं। वंदस तक सख्ती अच्छा सोच तो सख्ती वन यह मकान सोरी गाम गोवा पसितल वन गवर्नमेंट कौन सोन फौसल करान कि जनाब अली अस करो कह फौसला कुन जाए जाए रसा गरीब अलाक कत गो वंदस तक लार अत कालस लार वो वनक कुछ हालत गई शे मकान गए दबी तल।